सो हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, हमारी पूरी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को जो हैंडल करती है वो है न्यायपालिका। सरकार के तीन अंग हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका जो है हमारी, उसको तीन से चार चरणों में बांटा गया, लेकिन अधिकतर किताबों में तीन ही आपको देखने मिलेगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे और आज की वीडियो में न्यायाधीश के बारे में जानेंगे, न्यायाधीश की अर्हताएं क्या होती हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, और क्षेत्र अधिकार, ज्यादातर क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं क्षेत्र अधिकार पर भी डिस्कस करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो संवैधानिक प्रावधान हमें जानना जरूरी है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संवैधानिक प्रावधान का मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय जो है इसका वर्णन संविधान में कहां किया गया है, तो भाग पांच में और अनुच्छेद 124 से 147 तक में जो है हमें उच्चतम न्यायालय का वर्णन मिलता है। ठीक है, संविधान में। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोअर कोर्ट, ये हमारी जो न्यायपालिका है वो तीन वर्गों में बटी हुई है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे है हाई कोर्ट और फिर है लोअर कोर्ट। मान लो कोई भी मुकदमा है या कोई भी केस है, दो व्यक्ति हैं, आपस में लड़ लेते हैं, लड़ने के बाद फिर वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में सबसे पहले वो जाते हैं लोअर कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट में अगर यहाँ के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं होता है तब वो हाई कोर्ट में अपील करता है, तब हाई कोर्ट सुनवाई करता है, और अगर यहाँ के निर्णय से भी कोई खुश नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अटल होता है। इसके बाद मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुद्दे पर फैसला दे दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये सर्वोच्च है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसके फैसले को कोई नहीं टाल सकता, ना ही तो कोई बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न होता है, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम अटल होता है। ठीक है, और न्यायाधीश की अगर हम बात करें, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की खासतौर से बात कर रहे हैं, एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा हाई कोर्ट के ऊपर, लेकिन हम इसमें बात करें सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां पर है, पहले था कोलकाता में और अब जो है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। तो न्यायाधीशों की अगर मैं संख्या की बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने होते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या थी 8। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या थी 8, 7 थी प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे CJI कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, HJ कानिया जो है पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, हीरा लाल कानिया जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है, उच्चतम न्यायालय में वो है 34। ठीक है, न्यायाधीश की अर्हताएं की अगर मैं बात करूं, यानी योग्यताएं क्या होती हैं न्यायाधीश बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए मैं अगर मैं आपको बताऊं तो वो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा विधिवत किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कानून की डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश बनने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रखें, वो व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है वो उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक या न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक उसने जो है न्यायिक कार्य किया हो, ठीक है ना, वकालत के तौर पे उसने काम किया हो, और राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, तो इस तरह से अगर ये योग्यता अगर किसी व्यक्ति के पास होती है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। शपथ की हम बात करें तो जब न्यायाधीश बनता है तो उसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है कि कब से कब तक जो है न्यायाधीश पद पे रहेगा, और बस इतना है कि 65 वर्ष तक जो है कोई भी व्यक्ति रहता है, और जब तक जो है उसे राष्ट्रपति का कह सकते हैं समर्थन प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, और अगर पद छोड़ने की बात करें कि पद खाली कैसे होगा, तो पद खाली इस तरीके से हो सकता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दे, या तो किसी दुर्घटनावश वो पद छोड़ दे, ठीक है ना, दुर्घटना हो जाए कोई, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह जिसमें मृत्यु वगैरह हो जाती है तो पद खाली हो सकता है। तीसरा हो सकता है 65 वर्ष की आयु अगर कंप्लीट हो गई। ठीक है,
तो ये तीन तरीके हैं जिससे कि न्यायाधीश का पद जो है वो खाली होता है। ठीक है, जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं। ओके, तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखता हूं मौलिक क्षेत्र अधिकार। ठीक है, मौलिक क्षेत्र अधिकार। अब ये कौन से क्षेत्र अधिकार होते हैं? तो मौलिक क्षेत्र अधिकार, या हम कहें कि मूल क्षेत्र अधिकार, या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो मूल क्षेत्र अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसका हल निकाल सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ रहे हैं तो उस मुकदमे की जो सुनवाई होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, या फिर केंद्र सरकार और कई राज्य आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो है मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये कौन सा अधिकार क्षेत्र है? तो मूल अधिकार क्षेत्र अधिकार है इसका। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी जो होती है वो होती है रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। ठीक है, रिट क्षेत्र अधिकार जिसे हम कहते हैं। रिट क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत होता यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय जब फैसला सुनाती है तो उसे रिट कहते हैं। ठीक है, और ये उसका फैसला होता है वो पांच रूप में जो है जारी किया जाता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेक्षण, चौथा है प्रतिषेध, और पांचवा है अधिकार प्रश्न। ठीक है, इनको मैं फैलाकर अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बस आपको नाम इतने याद रखने हैं। ठीक है, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरी कौन सा क्षेत्र अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो वो आप याद रखेंगे अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अभी अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होता है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो तीन तरह के मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। ठीक है, ये भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन कौन से? तो पहला है दीवानी, दूसरा है फौजदारी, और तीसरा है संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक। दीवानी में वो मुकदमे आते हैं जैसे कि विवाह, तलाक से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। ठीक है, जमीन संबंधी विवाद हो गया, ये सब दीवानी मुकदमे में आता है। फौजदारी में आता है हत्या, मृत्यु, हत्या करना किसी के, किसी ने व्यक्ति ने डाका वगैरह डाल दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो आते हैं फौजदारी के अंतर्गत। और संवैधानिक मामलों में वो आते हैं जब कभी संविधान में कोई संविधान से छेड़छाड़ करता है या संविधान से जुड़ा कोई मुकदमा है तो वो संवैधानिक मुकदमों में आ जाता है। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तीन तरह के फैसले सुना सकती है, मतलब तीन तरह के फैसलों पर सुनवाई कर सकती है, दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार के बारे में बता दूं कि संविधान में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को जरूरी लगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। ठीक है, लेकिन यहां संविधान में यह भी कहा गया है कि जो न्यायाधीश होंगे वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर न्यायाधीश की इच्छा है तो वो देगा, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा। ठीक है, एक होता अभी अभिलेखीय क्षेत्र अधिकार। ठीक है, अभिलेखीय क्षेत्र अधिकार, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी मुकदमे का जो है लिखित विवरण रखती है अपने पास। ठीक है, तो ये अभिलेखीय क्षेत्र अधिकार कहलाते हैं। तो इस पांच तरह के क्षेत्र अधिकारों को जो है आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। कोई और भी क्वेश्चन है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक हालांकि है काफी बड़ा टॉपिक, लेकिन मैंने इसे जो है इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताए हैं। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी टॉपिक्स के पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो उसमें रिकवर कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।